हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे फादर्स टू मूवी की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कल के वीडियो में मेरी वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से काफ़ी लोगों को शिकायत हुई है। लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियरली सारी चीज़ें सुनाई दे, वो भी ज़ोर से। खैर, फादर्स टू मूवी की बात करें तो इसमें हमें नज़र आते हैं मार्क वॉलबर्ग और मेल गिब्सन। वाओ, गजब के दोनों ही एक्टर है। कि ये एक बायोपिक मूवी है जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 4 मिनट की है। क्या इस मूवी की शुरुआत होती है स्टुअर्ट लॉन्ग से, जो कि बचपन में एल्विस प्रेस्ली बनना चाहते हैं, लेकिन फादर इनको सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट इनके फादर काफी एब्यूसिव भी होते हैं। अब बड़े होने के बाद स्टुअर्ट एक बॉक्सर बन जाता है, लेकिन बॉक्सिंग में इंजर ज्यादा होता है, ट्रॉफीज कम मिलती है। फिर बाद में जब उसको ट्रॉफीज मिलती है तो पैसा नहीं मिलता है। तो कह सकते हो कि स्टुअर्ट एक नाकामयाब बॉक्सर बनता है, लेकिन आगे चल के जब इसको ऐसा लगता है कि भाई अब ये बॉक्सिंग नहीं कर सकता, इसकी बॉडी जवाब दे रही है, तो ये सोचता है कि उन्हें ये हॉलीवुड का फिल्म एक्टर बन जाए। तो ये हॉलीवुड चले जाता है। वहां जाने के बाद इसकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे बॉक्सर एक कैथोलिक प्रीस्ट बनता है, सब कुछ जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। देखो यार, मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये बायोपिक है या कोई रिलीजियस प्रोपेगेंडा है। अगर आप लोग भी इस पर्टिकुलर मूवी को देखो तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहा है। मूवी में स्टुअर्ट AK2 का जो कैरेक्टर है, वो स्टार्टिंग में हमें ऐसा नजर आता है कि यार ये भगवान को नहीं मानता, ये अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता है, ये किसी की कुछ भी नहीं सुनता है, इसको जो करना है ये वही करता है, और इसको घंटा किसी के सेंटीमेंट से फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन आगे चल के जिस तरीके से ये कैथोलिक प्रीस्ट बनता है ना, वो इतनी कन्विंसिंग नहीं लगती है मूवी में। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो आपके चेहरे पर एक स्माइल रखेगा बिकॉज ऑफ द कॉमेडी इन दिस मूवी। मूवी में कॉमेडी है, इतनी भी ज्यादा लाउड कॉमेडी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सीन्स है जो आपको हंसने पर मजबूर करते हैं बिकॉज ऑफ मार्क वॉलबर्ग परफॉर्मेंस। यार सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, इसका BGM मुझे ओके लगा। मार्क वॉलबर्ग ने यहाँ पर अपने रोल में जान डालने की बहुत कोशिश की, और जिस तरीके से उनका स्टार्टिंग से लेके वो एंड में जो जैसे डायलॉग बोल रहे थे, ये ना कि आपको नजर आता है कि मार्क वॉलबर्ग सिर्फ एक कमर्शियल स्टार नहीं बल्कि वो एक्चुअल एक्ट करते हैं मूवी में। मेल गिब्सन का रोल यहाँ पर ज़्यादा ही नहीं, लेकिन जितना भी है ठीक ठाक ही लगा मुझे। मुझे मतलब उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें होती है, लेकिन आजकल वो मूवीज़ में कुछ खास करते भी नहीं और खास नज़र भी नहीं आते। दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स थे, उन लोगों ने अपने इससे रोल को अच्छी तरह से किया, लेकिन अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मूवी क्या कैथलिक कन्वर्ट करने के लिए लोगों को बनाई गई है। क्योंकि सीरियसली मुझे कुछ खास लगा ही नहीं कि इस बंदे के ऊपर बायोपिक बननी भी चाहिए थी या नहीं। खैर, ओवरऑल ये एक डिसेंट मूवी है जो आपको अगर चाहिए तो देख सकते हो, अगर आप लोग मार्क वॉलबर्ग के बहुत बड़े फैन हो या मेल गिब्सन के फैन हो। अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी जो आपको शायद कन्वर्ट कर दे स्टुअर्ट लॉन्ग को देखने के बाद, तो आप लोग ये मूवी को देख सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6/10 और पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, मूवी में एक कुछ जगह पे किसिंग सीन है, ज्यादा नहीं है, बस कुछ ही जगह पे किसिंग सीन है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रख देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।